यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो अपने को थोड़े टाइम के लिए अलग रहना सच में जरूरी है, वो मजाक नहीं कर रही, मैं कसम से बोल रही हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। यहाँ पे बन रहा है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट। यशु ने सुबह सुबह आज यशु नहा ली, क्योंकि कल ही मैंने इसको है ना अपनी कसम दे दी थी कि भैया मंदिर लगा है, तो अपने को नहीं देते तो मतलब तो भी करती। मैंने कहा अब मंदिर लगा, अब तेरे को सुबह सुबह नहाना पड़ेगा, वही सेम तेरे को पूजा करनी पड़ेगी, वही सेम तेरे को मेरे को तिलक लगाना पड़ेगा सुबह सुबह। तो यहाँ पे देख लो, आप लोग दर्शन कर लो भगवान जी के। यहाँ पे मंदिर की पे पूजा हो चुकी है ऑलरेडी, और यशु ब्रेकफास्ट बना रही है जैसे कि मैंने आपको बताया। और हमारा जो साहिब है वो देखो जरा, इसके भाई फुल मजे हैं, फुल मजे में जिंदगी चल रही है इसकी। ये देखो, आहा हा, ये देखो, ओए ये कौन सा आसन हो रहा है सोते सोते है ओए। ये देखो, इसको ऐसे भी कर दो, कुछ फर्क नहीं है, इसको कुछ फर्क नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आज जो बाहर का मौसम है मैं आपको दिखाती हूँ, काफी दिनों से मैंने आपको बाहर का नजारा नहीं दिखाया ना, मैं आपको दिखाती हूँ, रुको आवाज बहुत आएगी लेकिन। ये देखो, आज जो बाहर का मौसम है ना, बारिश वाला मौसम है पूरा पूरा, मतलब फॉग फॉग टाइप हो रहा है और पूरा बारिश वाला मौसम हो रहा है, धूप नहीं निकल रही बिल्कुल भी। वहां से पहाड़ दिखाई देते हैं, लेकिन अब हमने ये रख दिया ना, और इसके नीचे ना मैं आपको बता दूं, कबूतरों ने बच्चा शायद है इसके नीचे, इसमें दिखेगा क्या नहीं दिखेगा इसमें, बट है नीचे, क्योंकि आवाज आ रही थी, जो कोमल आती है हमारे घर पे उसने बताया कि आवाज आ रही थी, तो इसका मतलब बच्चा है वहाँ पे। तो बच्चा एक्चुअली हमें पहले से पता था कि कबूतर वहाँ पे घोंसला बना रहे हैं, और अंडे ऑब्वियसली बात है घोंसला बन रहा है तो अंडे भी आएंगे उसमें। तो फिर हमने जान पूछ के घर नहीं बिगाड़ा, क्योंकि हमारा उधर वैसे भी जाना नहीं होता और एसी भी उधर लगा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैंने बोला ठीक है बना रहे तो कोई बात नहीं, वो मस्त वहाँ पे वो जब बड़े हो जाएंगे उड़ जाएंगे। आज का प्लान क्या है बाबू? वैसे आज मौसम भाई बहुत सही हो रहा है यार, सही में मेरा ही मन कर रहा है कहीं चलते हैं, घूम के आते हैं, मौसम बहुत शानदार हो रहा है आज यार, ऐसा मौसम हो रहा है। मैं इस मौसम का ना जब से मुंबई आई हूँ ना, पिछली बार भी हमारा रह गया था बारिश देखना मुंबई में, क्योंकि हम पहले ही चले गए थे, और इस बार तो खैर नहीं है ऐसा, तो इस बार मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ कि जल्दी से बारिश वाले मौसम का मतलब टाइम हो जाए। तो आज फाइनली आज यू नो पंजाब में लुधियाना में तो बहुत गंदी ठंड होती है इस टाइम पे बारिश, और बारिश लेकिन मौसम भी सेम टाइम बहुत अच्छा रहता है, मतलब घूमने जाने का मन करता है। तो चलो फिलहाल हम मिलते हैं आपसे नाश्ते में। एक्ने मार्क्स, पिंपल, डार्क सर्किल और ओपन पोर्स, ये सारी प्रॉब्लम हमारे फेस पे अगर हो जाए तो इसका इफेक्ट हमारी पर्सनैलिटी पे पड़ता है। पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पड़ना मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का जाना। तो उसी का सॉल्यूशन लेके मैं आई हूँ आपके पास, एक ऐसा प्रोडक्ट लेके जिससे आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसका नाम है नेचर श्योर का पोर्स एंड मार्क्स ऑयल। तो मैं आपको बता दूं गाइस, ये जो पोर्स एंड मार्क्स ऑयल है ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलके बना है, और मेन इंग्रेडिएंट है वो है मोरिंगा ऑलिफेरा। अब आप सोच रहे होंगे यार कि ये मोरिंगा ऑलिफेरा क्या है? अगर आप इस इंग्रेडिएंट के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ अभी कि मोरिंगा ऑलिफेरा क्या है। आयुर्वेद में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एंड इट हैज एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, ये एक नेचुरल हर्ब है, और इसके अंदर आपको मिलेगा विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम, यानी कि इसके अंदर सब कुछ है भाई जो तुम्हारे फेस को प्रोटेक्ट करेगा। तो बता दूं कि जब से मैं इसको, ये प्रोडक्ट मेरे पास काफी टाइम पहले से आ चुका था, एक दो महीने पहले से, और मैं इसको बहुत टाइम से यूज में ले रही हूँ। मैं बता दूं, इसको यूज में लेने के बाद आप लोग सभी पूछते हो ना कि मेरी स्किन का ऐसे मतलब ग्लोइंग का राज क्या है, तो मैं बता दूं दिस इज द रीजन जिसे मैं यूज कर रही हूँ काफी टाइम से। और मैं आपको बता दूं कि इसको आप भी जब यूज करोगे तो एटलीस्ट आपको 40 डेज इसको यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। और ये जो प्रोडक्ट है पहले बड़े उसमें भी आता था पैकेट में, अभी ये फिलहाल 30 ml पैकेट में आने लग गया है, तो आप इसको बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। मैं आपको एक चीज और बताती हूँ इसके बारे में, इसको आप एज ए सनस्क्रीन भी यूज में ले सकते हो। तो गाइस जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जल्दी जाके बाय करो। आपको इससे ना पिंपल्स की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, काफी लोग होते हैं जो बोलते हैं यार हमें पिंपल्स हो गए ये वो प्रॉब्लम भी आपको इससे नहीं होगी। तो देर किस बात की, जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जल्दी जाके। तो गाइस मैं बता दूं, दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप अभी हमारा व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे कृष्णा जी वाला,
और मुझे बहुत अच्छा लगा यार, मैंने कमेंट रीड करे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सीरियसली आज जैसे आप लोग बोल रहे हो ना कि आपकी नजरें नहीं हट रही ब्लॉग से, मेरी भी नहीं हट रही, चार बार मैं देख चुकी हूँ अभी तक अपना खुद का ब्लॉग। और बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ हुआ है कि मैं अपने ब्लॉग को देख रही हूँ, मतलब मैं इतने टाइम से, मतलब आप मानोगे कि 15 to 20 days ऐसे हो चुके हैं कि मैं अपना ब्लॉग नहीं देख रही ठीक से, पता नहीं क्यों मतलब ऐसा हो रहा है। बट आज का जो ब्लॉग था वो सच में मतलब बहुत अच्छा लगा। आप लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं, सब खुश हैं। तो अभी इन्होंने यहाँ पे बैठे हुए हैं एंड अनस्टॉपेबल यशल्स में आने वाली है नई वीडियो जिसकी एडिटिंग कर चुके हैं मैं स्पाइल बत्रा। कैसा लगा फिर आपको एडिटिंग करके, मजा आ भी गया? गाइस अगर तुमने उस वाले वीडियो पे प्यार नहीं दिया ना फिर देख लेना, क्योंकि गाइस मैं नोना के पेट में दर्द हो रहा था लेकिन फिर भी मैं नोना ने एडिटिंग की, समझ रहे हो? और वो लेट एक्चुअली हो गया किसी रीजन की वजह से, वरना वीडियो तो बहुत दिन पहले का ही शूट हो गया था। तो आज फिर वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब ये वाला वीडियो जाएगा, ब्लॉग जाएगा, तो वीडियो आ चुका होगा। नहीं मानेगी बलून चाहिए तेरे को बलून? मैं अभी भी टाइम में कह रही हूँ आजा, वरना मुझे जंप करना पड़ेगा। देख मैंने बोला था मुझे जंप करना पड़ेगा, चल जल्दी फटाफट आ जल्दी, तमीज से नहीं जल्दी चल, आ चल चलेंगे, चल चलेंगे, चल चलेंगे, जल्दी चल। यार पता नहीं कुर्सी कौन रखी, ऊपर से ये लाल गुब्बारा किसने रख दिया यार, एक ये बार बार पता नहीं किसने स्प्रिंग लगाया इस मछली में। अबे चल ले यार आराम से, प्यार से ले जा रही हूँ, चल जल्दी चल, आगे बढ़ आगे बढ़, पीछे नहीं, आगे पीछे नहीं। बहुत ही बेशरम मछली आज तक मैंने इतनी बेशरम मछली नहीं देखी यार, स्प्रिंग किसने लगाया इसमें, ये क्या मतलब, क्या है मतलब, वैसे मैं बेड बॉक्स में चल रही हूँ, मेरा कितनी ज्यादा फिजिकल वर्क हो गया, मैं आजकल इतना फिजिकल वर्कआउट था भी नहीं, इतनी बेशरम मछली आज तक जिंदगी में नहीं देखी। मानेगी नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, चल पहले कनाता कोई डोडो भैया के ऊपर ऐसे बैठते नहीं होते, ठीक है, आई मीन डोडो भैया के ऊपर बैठे होते हैं जाने बच्चा। डोडो भैया मेरी शादी में गए थे पता है आपको, डोडो भैया मम्मा की शादी में आए थे पता है आपको, आओ नाचो करेंगे, मुझसे है पहले कनाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभा। गॉयज के सामने झम से पेश आ, मम्मा ही डालती सारी आपकी मिमिक्री कर करके, पीछे आवाज कौन देता है, मम्मा देती है ना, आपको आता है बोलना, आप तो म्याऊं म्याऊं करते हो, मम्मा ही तो आपके एक्सप्रेशन समझ के बोलती होती है, बताना जरा, तेरा मुझसे पहले कनाता कोई। हाँ देखो कितने क्यूट स्टाइल में, जुनू से तुम हो रहे हैं बहुत ज्यादा, मम्मा पापा बारो बारो नहीं कर पा रहे, पता है उसकी वजह कौन हो, पता उसकी वजह क्या है, वो हो तुम नजर के सामने जिगर के पास, हम भी तुम जाएंगे, कोई रहता है वो हो तुम। अभी देख चीज दिखा दूंगा ना, पानी की बॉटल देना मेरे, देना कैसे चिढ़ता मेरे हाथों से, चिढ़ नहीं रहा क्योंकि पता है ना मैं ही निकाल सकती हूँ इसको यहाँ से, है ना, है ना, इसलिए ना, इसलिए ना, यार ले चलो यार, मम्मी ने जकड़ रखा है मेरे बैच ने, आजा आजा पापा, यार ले लो ना, आजा, दबा रखा है मोती मम्मा ने मेरे को, दबा रखा है यार, ऊपर से इनका बेटा डोडो, दोनों के दोनों मावे थे मोटे मोटे, मेरे को दबा रखा है, पापा यार चुरा लो, छुड़ाऊंगी नहीं मैं, फिर देख ले, छुड़ाऊंगी नहीं मैं, फिर काटना था मेरा जन्म से, फिर मैं छुड़ाऊंगी नहीं, काटे भी नहीं कैसे, छुड़ाऊंगी नहीं फिर मैं, छुड़ाऊंगी नहीं मैं, जा रही हूँ फिर, बाय बाय, मैं जा रही हूँ, बाय फिर, ऐसे कैसे आ जा फिर, मैं छुड़ा रही हूँ ना, छुड़ा रही हूँ ना मैं, फिर ऐसे काटेगा, काटेगा नहीं, मैं काट रही हूँ, ये तो प्यार है मेरा, ऐसा कौन सा प्यार है, ये कौन सा प्यार है, पापा प्यार है, प्यार है, अरे पापा ये तो प्यार है, प्यार ये जो पारो पारो है मेरे। शाम के बज चुके हैं 7 और हम हो रहे हैं बोर, डांस करने चले, काय पे डांस करेगी, तेरा मुझसे है पहले कनाता कोई, मेरा बच्चा कोई नहीं देखेगा, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, माने तुमसे बेहतर गाया है मैंने, या माने ना, खुजली हो गई, रुक जा, खुजली हो गई ना, हो रही है यहाँ पे, कर जल्दी कर,
थोड़ा ऊपर, हाथ पे इस तरफ जान, जान बहुत तेज हो गई। हाँ हाँ, इधर 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 टैटू पे बहुत तेज खुजली हो गई, इधर बहुत तेज खुजली हो गई जान। अदा तेरा मुझसे कहते ना पारू पारू है ही नहीं आती पारू पारू के लायक, बिल्कुल बता रही हूँ मैं। एक तो बीच में माश है, सॉरी कर रही थी ना मैं डांस। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। देखो अभी खोना नहीं। नान किया सब रोमांटिक डांस कर रही है, छोड़ यार। तो मैं ऐसे डांस कर लूँ इससे बढ़िया तो। हाँ करियो। हाँ तुम तो बस, मेरे को घर जाना है यार थोड़े दिन के लिए मम्मी के पास। क्यों? मेरे मन नहीं लग रहा यार यहाँ पे सच में। अच्छा तो अपन एक दूसरे के देख देख के बोर हो चुके हैं, तो अपने को थोड़े टाइम के लिए अलग रहना सच में जरूरी है। वो मजाक नहीं कर रही, मैं कसम से बोल रही हूँ, कसम से। अपने को थोड़े दिन, आप एक काम करो, आप चलो जाओ राजस्थान, मैं चले जाती हूँ हरिद्वार। अच्छा 15-15 दिन आराम से अपन मस्त अपनी जिंदगी जियेंगे सेपरेट वाली। देख रहे हो क्या कह रही है? तो मजाक नहीं कर रही मैं, ट्रेन से चल जाऊंगी, पक्की बात है। ट्रेन से भेज दो, तेरे को जाना तू जा, मैं तुम जा रही हूं। तो मैं इसको कौन संभालेगा? तो मैं ही जा रही हूँ अकेले। मैंने आपको कब बोला कि आपको जाना? अभी तो तूने बोला कि मम्मी के साथ, मम्मी के पास चले जाना। हाँ तो मत जाओ ना आप मम्मी के पास, अभी इधर ही रहो, मैं चले जाती हूँ। मेरी टिकट बुक कर दो, ट्रेन की टिकट बुक कर दो, साइड में चले जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 4 साल में तो तेरे को याद नहीं है कि मैं अकेले जा सकती हूँ कहीं भी? अब तेरे को बहुत जल्दी आता है। तो देखो बंदा कभी ना कभी तो थोड़ा बहुत तो बोर फील करता ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि बाबू 24 घंटे अपन एक दूसरे की शक्ल देखते रहते हैं। करवट चेंज करने करके भी कोई फायदा नहीं है, तो भी शक्ल तुम्हारी दिखती है, इधर करो तो भी तुम्हारी दिखती है, 24 घंटे तुम्हारी शक्ल दिखती है। कंटेंट के लिए यार, ये मैं परसों नहीं कह रही थी आपको कि थोड़े दिन चलते हैं बाहर घूम के आते हैं? मैं नहीं लग रहा जब यहाँ पे तो यार जिंदगी में बिल्कुल बोर हो गई है सीरियसली। कभी कभी तो ऐसा लगता है क्या ही हो गया जिंदगी यार, पारू पारू तो बचा ही नहीं यार जिंदगी में। मैं मजाक नहीं कर रही, मेरी टिकट करा दो, ट्रेन की करा दो चाहे। जान मजाक मत कर यार, मैं मजाक थोड़ी कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, कसम से मैं मजाक नहीं कर रही। डाल दूंगी ऐसे व्लॉग, सोच लियो, फिर कट भी नहीं करूंगी। तो व्लॉग फिर चाहे व्लॉग में तो ऐसे भी अगर मैं जाऊंगी तो व्लॉग में दिखेगा नहीं कि मैं गई हूँ घर पे। थोड़े दिन यार अपने को सच में ना ऐसे थोड़ा रहना चाहिए, तभी देखो अब सोचो 10-15 दिन बाद अपन मिलेंगे तो फिर ज्यादा प्यार होगा कि नहीं होगा, सच बता। एक काम करियो, ये वाला फोन तू ले जाइयो, ठीक है, और तू ही व्लॉग शूट कर लो। पापा यार ऐसा थोड़ी होता है, तुम ये फोन मैं तुमको तुम्हारे लिए है, ये तुम शूट करना इससे। मैं क्यों शूट करूं? तो तुम कर लोगी तो क्या ही हो जाएगा, ये लो तू लेके जाइयो ना, तेरे को जान ज्यादा लगी है ना। मैं माइक के जाने की तो तू ही जा, लेके जा साथ में इसको। तो मेरी टिकट तो बुक करोगी ना तुम? क्यों तेरे को नहीं करनी आती टिकट बुक? नहीं तेरा अकाउंट में है ना पैसे, टिकट बुक तो मेरे को ट्रेन की नहीं निकल सर। क्या मतलब है? मैंने प्यार से बोला, मैंने कहा लड़के थोड़े बोला है कि थोड़े दिन बंदे को थोड़े दिन का देखो चाहिए होता है। मेरे बिना थोड़े दिन तो यार मैं तो रह लेगी। अभी तो फिलहाल तो लग रहा है कि थोड़े दिन रहना चाहिए। देखो जो सच है, तो मजाक नहीं कर रही, जो सच है वो मुझे ये लगता है थोड़े दिन रहना चाहिए, वो अच्छा भी रहेगा बंदों के लिए। फिर थोड़ा सा एक दूसरे को केयर भी आएगी अपने को, थोड़ा सा अलग रह के ना, तो डिस्टेंस भी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए हमेशा यार, एक दूसरे के साथ यहाँ पड़े रहते हैं बस, थोड़ा चेंज भी जरूरी है। हाँ तो तू लेना चेंज तो जा, तो गुस्सा होने की क्या बात है? उसने गुस्सा होने से क्या बात है, गुस्सा क्यों होना है उस बात के ऊपर? डाल भी दूंगी मैसेज में। क्या डाल दोगी? तो बाबू मैं कौन सा मना थोड़ी कर रही हूँ, डालने के लिए डाल देना। वैसे भी देखो मैं जाऊंगी तो वहाँ पे, मैं घर पे जाऊंगी तो। गाइस मैंने डुगू के साथ अभी प्रैंक शूट कर रही थी, मतलब मैंने डुगू को 2-3 दिन से ऐसा बोल रहा हूँ मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा। और मैंने 3 दिन पहले डुगू को ऐसा बोला था मजाक में रात के टाइम कि मेरी ना टिकट बुक कर दो, कहते कहाँ की? मैंने कहा मम्मी के पास जाना है मुझे थोड़े टाइम के लिए, ऐसा वाला। तो मैंने सोचा कि आज ये वाला प्रैंक कंटिन्यू रखते हैं ताकि थोड़ा मज़ा आए। फिर भी 3-4 दिन से ना बहुत ऐसा हो रहा है हमारे बीच में कि मन भी नहीं लग रहा, मेरा भी नहीं लग रहा और डुगू का भी नहीं लग रहा। तो मैं यही बोल रही थी थोड़ा सा स्पेस जरूरी है, क्योंकि पहले डुगू ऐसे बोल रहे थे ना कि मुझे अपने लिए स्पेस चाहिए, तो मैंने सोचा कि चलो ये स्पेस वाला ही प्रैंक करते हैं। तो अभी मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया कि मेरा टिकट बुक करा दो, टिकट बुक करा दो, ऐसा लगा कि मुझे जाना ही है। तो उन्होंने बहुत बोला कि मजाक कर रहे हैं तो मजाक कर रहे हैं, तो मैंने बहुत ही सीरियस मूड में बोल दिया बिना हंसे भगवान जी। तो अभी वो बहुत नाराज़ हो रही है, अभी मैं जाके देखती हूँ कि अब कुछ तो घमासान करेगी। यार कर दो टिकट मेरी, हाँ सुन रहे हो क्या? सुनो ना, टिकट बुक कर दो ना, हाँ
सुनता रहो। तो यार क्या इसमें बुराई क्या है, अच्छा ही बताओ। थोड़े दिन तो रह सकती हो तुम मेरे बिना, अच्छा लगेगा, मैं सच बोल रही हूँ। 24 घंटे डुकू सच में, आप भी मेरी शक्ल देख के बोर हो चुके हो। इसके अलावा मजे आ रहे हैं। अच्छा इधर शक्ल दिखाओ एक बार, इधर दिखाओ तो सही, एक बार देख तो लो। अच्छा इधर एक बार, इधर तो देख लो। अरे यार एक बार देखो तो सही, देखने में क्या बुराई है, क्या हो गया, क्या हो गया, अब इतनी क्या नाराजगी हो गई, हाँ क्या हुआ, थोड़े दिन तो रह सकती हो मेरे बिना, क्या हुआ, आके तो बोलो। अच्छा रो रहे हो, रो रहे हो किस रो, जान सुन तो लो। अच्छा अच्छा मेरी बात तो सुनो, अच्छा नहीं करो टिकट, कोई बात नहीं, नहीं करो टिकट, मैं खुद करा लूंगी टिकट, अरे मैं खुद करा लूंगी ना, कोई बात नहीं। अरे सुन तो लो, अच्छा बात तो सुनो मेरी। यार तेरे को टिकट करानी है तो करा ले, वैसे भी तेरे टिकट कराने वाले बहुत है, तो तू टिकट करा। व्हाट डू यू मीन बाय मेरे टिकट कराने वाले बहुत है, कौन कराएगा मेरी टिकट? किसी से भी करवा ले। किससे बताना जरा, बताना जरा, इधर देखना जरा। ऐसे तो ना मैं मजाक कर रही थी, प्रैंक कर रही थी मैं कि ऐसे घर जाना है, घर जाना है, लेकिन किसी से भी करवा लेना, इसका क्या मतलब हुआ बताना जरा। है इसका क्या मतलब हुआ कि किसी से भी करा ले, वैसे भी बहुत है टिकट कराने वाले, इसका क्या मतलब हुआ? कौन है वो, बहुत सारे मेरे टिकट कराने वाले? तू प्रैंक कर सकती, मैं नहीं कर सकती। ऐसे छपड़े छपड़े पड़ेंगे ना तुम्हारे ऊपर, बहुत कौन बहुत है वो, कौन है बहुत वो, मजाक था, ऐसा मजाक होता है तेरे से, मजाक होता है तो वो तो समझ में आता है कि मजाक हो सकता है कि तुमको नहीं पता कि मैं घर जा सकती हूं तुम्हारे बिना, कहीं भी जा सकती हूं तुम्हारे बिना, पता नहीं है तुमको। बट मैं तो सच में रो रहा था, लेकिन जब मैं मेरे मुंह से ये निकल गया कि टिकट कराने वाले बहुत है, तो मैंने बोल दिया कि प्रैंक था। अच्छा मुंह से निकल गया, खुद टिकट करती थी मैं अपनी, मैं क्या पता था, मैं करवा था टिकट करने नहीं आती, छोड़ तो दे। अब तो दिखा अपनी शक्ल कैसी होती है, अब तू दिखा अपनी शक्ल, नहीं दिखा अब, क्या हो गया है, सच में टिकट करा दो मेरी तुम इस लायक हो, अब ना बहुत ज्यादा हो रहा है, सही बता रही हूँ मैं, नहाने जा रही हूँ, मेरी गर्मी लग रही है, मेरा दिमाग बड़ा गर्म, मैं जा रही हूँ ना, तो जा अभी निकल, जा जा रही हूँ, चल निकल, जा रही हूँ ना, निकल निकल, खड़ी लगती नहीं क्या, काम कर तू जा निकल, चल जा लगा दूंगी चार वाला हाथ, लगा ले।